सर हमको कलेक्टर बना दो, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते। एक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं में से एक लड़की प्रशासन और सरकार को ऐसी फटकार लगाती है जिसे देखकर आप भी इस लड़की के मुरीद हो जाओ। प्रदर्शन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो और इस वीडियो वाली लड़की के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के झाबुआ में जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाते हुए उनको अंदर जाने से रोक दिया। ऐसे में NSUI के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और अंदर जाने की मांग करने लगे, लेकिन प्रशासन ने उनको वहीं रोक दिया। जिस पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं में से एक लड़की जिसका नाम निर्मिला चौहान बताया जा रहा है, वो चिल्लाते हुए कहती है कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते हो तो हमें कलेक्टर बना दो, हम कलेक्टर बनने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद हम सबकी मांगे पूरी कर देंगे। इसके बाद लड़की प्रशासन और सरकार को फटकार लगाते हुए कहती है कि किसके लिए बनी है ये सरकार, हम गरीब आदिवासियों की तो कोई सुनता भी नहीं है, जैसे हम कोई भीख मांगने के लिए यहाँ आए हों। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कितने रुपए किराए के देकर अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारी तो कोई भी नहीं सुनता है। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार, जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर, हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते।